Hello, I am Dr. Ashima Asnani. I am an infertility specialist at Omya Fertility, New Delhi. आज हम बात करने वाले हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर डे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट डे माना जाता है एक IVF साइकिल का। बहुत दिन के इंजेक्शन लगाने के बाद आप इस दिन तक पहुँचे हैं। बहुत पेशेंस से, बहुत मेहनत करके हम इस दिन पे आए हैं जब हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफर होने वाला है। Subscribe to Omya Fertility and press the bell icon to never miss an update. Most important day, बहुत सारे सवाल हैं मन में कि क्या होगा उस दिन, तो आज मैं कुछ आपके सवालों के जवाब देती हूँ। आप जिस दिन एम्ब्रियो ट्रांसफर के दिन आएंगे, डॉक्टर आपको एक टाइम देंगे, उस समय पे आपको पहुँचना है, ट्राई टू बी ऑन टाइम। दूसरी बात, अपनी जो मॉर्निंग की मेडिकेशन का डोज है वो ज़रूर लेके आएँ। अच्छे से नहा धो के कोई परफ्यूम या कोई कॉस्मेटिक या नेल पेंट मत लगाएं। क्या प्रोसीजर होगा, आपको ऑपरेशन थिएटर के अंदर लिया जाएगा। इस प्रोसीजर के लिए कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, आपका जो ब्लैडर है वो फुल रखना होगा, यानी कि आपको अपना यूरिन होल्ड करके रखना है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कैरी योर वाटर बॉटल विद यू। अगर आपको डॉक्टर बोले कि हाँ पानी पीना है तो आप अपना ब्लैडर फुल कर पाएँ। थोड़ा सा रोकना मुश्किल होता है अपने ब्लैडर के कि आप उतना रोक पाएँ प्रोसीजर के लिए, बट दैट इज़ द ओनली डिफिकल्ट पार्ट। आपको एक पोजिशन दी जाएगी, फिर आपका जो है पोजीशन देने के बाद सर्विक्स को क्लीन किया जाएगा सलाइन से। थोड़ा सा ठंडा लगेगा बट द प्रोसीजर इज़ नॉट एट ऑल पेनफुल, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्लीन करने के बाद जो है कस्कोस से आपके वजाइना को रिट्रैक्ट किया जाएगा। क्लीनिंग के बाद एक स्मॉल कैथेटर के थ्रू आपके एम्ब्रियोज को आपके यूट्रस के अंदर प्लेस कर दिया जाएगा। ये प्रोसीजर पूरा अल्ट्रासाउंड गाइडेड है, विदाउट एनी पेन। इट विल जस्ट टेक 5 मिनट्स। आपके डॉक्टर आपको आपके एम्ब्रियोस अल्ट्रासाउंड के द्वारा दिखाएंगे कि कहाँ प्लेस करे गए हैं। उसमें एक्चुअली जो है बबल्स के साथ एम्ब्रियोस और फ्लूइड दिखता है। कितने एम्ब्रियोस डाले जाएंगे वो सब आपसे पहले डिस्कस किया जाएगा प्रोसीजर से पहले। उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बोला जाएगा, फिर चाहे तो आप वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रोसीजर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको कुछ टिप्स दी जो आपको कुछ मदद कर पाएंगी आपके एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद, शायद आपका थोड़ा सा टेंशन कम कर पाए। पर अगर आपकी कुछ और क्वेरीज है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर आप ओमिया फर्टिलिटी पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।